ठीक गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज जशन के लंबे बाल आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो जशन के बालों पे मैं जो ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना उसके उससे इसके बाल काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गए हैं अगर कोई एक मैजिकल इन्ग्रीडियंट है जो आपकी स्किन एंड हेयर से जुड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है तो वो है घृत कुमारी नहीं समझे घृत कुमारी मतलब एलोवेरा हाँ जी गाइज जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो एलोवेरा से ही रिलेटेड है गाइस काफ़ी टाइम से ना लोग एलोवेरा का यूज़ करते हैं अपनी स्किन के लिए अपने हेयर के लिए क्योंकि ना एलोवेरा में काफ़ी ज़्यादा विटामिनस होते हैं अमीनो होती है मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे हेयर एंड स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं तो गाइज़ एलोवेरा ऑयल को तो हम घर पर भी बना सकते हैं जस्ट हमको फ्रेश एलोवेरा चाहिए और कोकोनट ऑयल चाहिए और ये ऑयल रेडी हो जाएगा इसमें कुछ और छोटे मोटे अगर हम इंग्रेडिएंट डाल दें बट ऐसे ऑयल को ना हम बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं तो गाइज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप न्यूट ग्रीत कुमारी हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करके देखें काफ़ी अच्छा ऑयल है फ्रेगनेंस बिल्कुल भी इसकी नहीं है बिल्कुल माइल्ड इसकी फ्रेगनेंस है वन फिफ्टी आपको इसकी क्वान्टिटी मिलेगी इस तरह की पैकेजिंग में आपको ये मिलेगा तो आइज इस ऑयल में एलोवेरा के साथ साथ आमला एक्सट्रैक्ट मेथी दाना भृंगराज जैसे इंग्रेडिएंट भी डाले गए हैं जो कि आपकी हेयर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो गाइस जशन को ना हमेशा ड्राई हेयर की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है काफ़ी ऑयलिंग मैं उसके बालों पर करती हूँ आप सबने देखा कि मैं उसके बालों पर हैवी हेयर ऑयलिंग भी करती हूँ बट उसके बाल ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहते हैं बट जब से मैंने ये वाला ऑयल यूज़ करना शुरू किया ना उसकी स्कैल्प बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती हेयर उसके बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते बल्कि ना बालों को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करके रखता है बालों को काफ़ी ज़्यादा इसने स्मूथ कर दिया अगर आपको फ्रीजी हेयर की प्रॉब्लम है ना तब भी आप ये वाला ऑयल ज़रूर ट्राई करके ख आपके डैमेज हेयर को ये रिपेयर करेगा बिल्कुल भी फ्रेगनेंस इसकी बिल्कुल माइल्ड है आपको अगर ऑयल की स्मेल अच्छी नहीं लगती है तब भी आप ये वाला ऑयल ज़रूर ट्राई करके देखें डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा फ्रीजी हेयर आपके ठीक होंगे अगर आपके बालों में बिल्कुल भी शाइन नहीं है तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं इतने अच्छे इसके इन्ग्रीडियंट हैं जो कि नेचुरल इन्ग्रीडियंट है और आपके बालों की सभी प्रॉब्लम्स को ये ठीक करेगा गाइस इस ऑयल की मुझे सबसे बेस्ट बात पता है क्या लगती है स्कैल्प की डेड स्किन को क्लीन करके हेयर ग्रोथ को बूस्ट देना साथ ही साथ बालों को सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैल्प से डर्ट एंड एक्सेस ऑयल को कम करके डेंड्रफ एंड ईची स्कैल्प से बचाना तो गाइज़ अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप न्यूड घृत कुमारी हेयर ऑयल ज़रूर ट्राई करके देखें अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रीजिंग हैं मैनेजेबल नहीं रहते हैं अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं आपको लंबे बाल पसंद है तो आप ये वाला ऑयल ज़रूर ट्राई करके देखें एलोवेरा तो वैसे भी हमारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसमें एक्स्ट्रा से इतने अच्छे अच्छे इतने नेचुरल इन्ग्रीडियट्स ऐड किए गए हैं जिससे कि ऑयल इतना ज़्यादा फायदेमंद बन गया है तो गाइज अगर आपने पहले कभी एलोवेरा से रिलेटेड ऑयल यूज़ किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपने नहीं यूज़ किया तो आप ये वाला ऑयल एक बार जरूर कर, यूज़ करके देखें इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी होप गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें